हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी सेक्टर 20 के बारे में, एन पॉकेट के बारे में, और देखेंगे किस तरीके का डेवलपमेंट है। मौके पे भी चलेंगे, ग्राउंड पे, वहां पे भी डेवलपमेंट देखेंगे और मैप पे भी देखेंगे कि किस तरीके से एन पॉकेट है, कितना डेवलप है। सारी जो है जानकारी वो वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपका किसी भी पॉकेट में प्लॉट है, किसी भी सेक्टर में प्लॉट है और आप उस पॉकेट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के जरूर कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो पॉकेट जो है वो कवर करें और आपका प्लॉट भी उसमें कवर करें, उसका डेवलपमेंट आपको दिखाएं। तो आप देखेंगे ये है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के 2031 का मास्टर प्लान। इसमें जो आप येलो एरिया देख रहे हैं, ये आपको रेजिडेंशियल सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके सेक्टर आते हैं। ये आपका हो गया येलो एरिया, जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे, ये यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ। इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको सेक्टर 22 देखने के लिए मिलेगा और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको सेक्टर 16 सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 16, सेक्टर 17 देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे सेक्टर 19 है जिसमें GYC गौर यमुना सिटी का प्रोजेक्ट है 250 एकड़ की, वो अलग एक टाउनशिप है बिल्डर की, और बाकी ये अथॉरिटी के प्लॉट है। तो आज हम बात करेंगे सेक्टर 20 के बारे में ही, इसलिए हम चलते हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के मास्टर प्लान पे। तो आप देखेंगे ये है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का मास्टर प्लान। इसमें आप देखेंगे ये यमुना एक्सप्रेस वे है जो आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए चला गया, और ये 100 मीटर का रोड है, ये डिवाइड करता है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 को, और ये पीछे से जो जा रहा है ये 130-120 मीटर का रोड है। इसी से होते हुए ये 100 मीटर का रोड सीधा आपको फिल्म सिटी ले जाके और सीधा आपको इंडस्ट्रियल एरिया से और सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाएगा। और ये इसमें हो गई 300 मीटर की पॉकेट, जैसे कि आपकी एप पॉकेट GHKLMNOP। तो आज हम बात करेंगे एन पॉकेट के बारे में। ये आपकी इस तरीके से एन पॉकेट है, इसके बारे में बात करेंगे। मगर आप देख सकते हैं एन पॉकेट जो है वो 100 मीटर रोड से, और ये 500 मीटर की पॉकेट है, और सेक्टर 21, ये सेक्टर 21 है 20 के बाद, तो ये फिल्म सिटी के लिए प्रपोज्ड है, और जिसमें ये आपका नियर में आप देखेंगे तो आपको फिल्म सिटी का जो सेक्टर है सेक्टर 21 प्रपोज्ड है वो देखने के लिए मिलेगा पास ही में। अब हम चलते हैं एन पॉकेट में। तो ये आप देखेंगे ये है एन पॉकेट का मास्टर प्लान, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये 7% आबादी के प्लॉट जो है वो भी देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें 50% कॉमर्शियल, 50% रेजिडेंशियल हम वर्क कर सकते हैं फ्यूचर में। ये आप देखेंगे इस तरीके से, और ये दो गांव लगे हुए हैं, ये आपका आछेपुर विलेज है और ये आपका चांदपुर विलेज है, ये दोनों विलेज लगे हुए हैं एन पॉकेट के पास में ही, और ये आपका एन पॉकेट। एन पॉकेट के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ पॉकेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। एक साइड में सेक्टर 20 की पी पॉकेट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 300 मीटर के प्लॉट है। एन पॉकेट में भी आपको 300 मीटर के ही प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इधर आप देखेंगे तो आपको ये आपकी एल पॉकेट देखने के लिए मिलेगी, इसमें भी 300 मीटर के प्लॉट है। ये एम पॉकेट सेक्टर 20 की, इसमें भी आपको 300 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। आप देखेंगे आपको काफी छोटे छोटे जो है वो पार्क जो है इस सेक्टर में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्क जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये पार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इधर थोड़ा ग्रीन बेल्ट, और ये एक कॉमर्शियल प्लॉट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और ये फैसिलिटी के लिए प्लॉट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एन पॉकेट जो है, और ये 100 मीटर का रोड है, वही 100 मीटर जो मैं आपको बता रहा था, ये सीधा आपको फिल्म सिटी होते हुए और सीधा आपको इंडस्ट्रियल एरिया से एयरपोर्ट की तरफ लेके चला जाएगा। अब हम चलते हैं ग्राउंड पे और देखेंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट है, कितने लोगों ने यहाँ पे घर बनाए, कंप्लीशन बनाए, वो सब जानकारी हम चल के देखते हैं ग्राउंड पे। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड पे। तो अभी आप देखेंगे हम आ गए ग्राउंड पे, ये है सेक्टर 20 की एन पॉकेट, जिसमें सभी प्लॉट 300 मीटर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं सेक्टर 20 पॉकेट एन। तो अभी हम डेवलपमेंट देखेंगे, एक साइड में आप देखेंगे तो आपको एम पॉकेट, यह अभी 18 मीटर रोड है, और एक साइड में आपको एन पॉकेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो अभी हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं थोड़ा बारिश का मौसम था, उस वजह से जो यहाँ पे पौधे हैं, जो घास फूस वगैरह के पौधे हैं, वो काफी बड़े जो है वो हो गए,
बाकी आप देखेंगे सामने आपको ये पानी की टंकी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइड के रोड जो है वो एक साइड में 18 मीटर और एक साइड में 24 मीटर एम और एन पॉकेट को जो डिवाइड करती है वो 18 मीटर रोड देखने के लिए मिलेगी, एल और एन पॉकेट को जो डिवाइड करती है वो 24 मीटर रोड देखने के लिए मिलेगी, पी और एन पॉकेट को डिवाइड करती है वो आपको 18 मीटर रोड देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके की रोड आपको देखने के लिए मिलेंगी और अंदर की सभी रोड जो है वो आपको यहाँ पे 12 मीटर की देखने के लिए मिलेंगी। इस तरीके से आप यहाँ पे रोड जो है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफी प्लॉट जो है वो मौके पे लग चुके हैं, ये जो बारिश के कारण जो पौधे जो है काफी बड़े हो जाते हैं, उस चीजों से हम यहाँ का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं देख पाते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोग अभी खेती भी कर रहे हैं, अभी कुछ जमीन जो है वो किसानों से यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी को मिली नहीं है, उनको प्रॉपर उनका मुआवजा मिला नहीं है। जो बड़ा हुआ मुआवजा था 64.7% का जो मुआवजा था वो अभी तक मिला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ आप यहाँ पे फसलें जो है वो भी देखेंगे खेतों में। बाकी यहाँ पे आपको काफी प्लॉट रजिस्टर्ड भी देखने के लिए मिलेंगे। आप देखेंगे तो आपको कुछ लोगों ने घर भी यहाँ पे बनाए हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पे कंप्लीशन जो है वो बना रहे हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया काफी अंदर आप पार्क वगैरह जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्लॉट की मार्किंग है इस तरीके से 512 नंबर, इस तरीके से प्लॉट की मार्किंग भी यहाँ पे काफी जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये भी एक प्लॉट की 531 नंबर है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था ये प्लॉट नंबर कवर करने के लिए, और बाकी आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से खेती जो है वो भी होते हुए देखने के लिए मिलेगी। ये प्लॉट है मगर फिर भी लोगों ने खेती जो है कुछ लोग कर रहे हैं इस तरीके से। बाकी आप वो हमने क्या है कि अगर खेती हो रखी है तो आपको खेती दिखाई है, जो एक्चुअल वहां पे डेवलपमेंट है वो, ऐसा नहीं कि हमने बस कवर कर लिया जो डेवलपमेंट है वो एरिया और आपको दिखा दें कि जी इस तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही रेट एक तो काफी ऊपर होते जा रहे हैं और हम इस तरीके का बस डेवलपमेंट ही दिखाएंगे कि ये डेवलप हो गया ये डेवलप हो गया है, तो लोगों को लगेगा कि वहां तो पूरा एरिया डेवलप हो गया। आप देखें यहाँ पे कुछ लोग अभी खेती भी कर रहे हैं जमीन पे, जिन लोगों ने या तो अथॉरिटी को अपनी प्रॉपर उन्होंने मुआवजा नहीं लिया है, प्रॉपर जमीन नहीं गई है, तो वो लोग खेती भी कर रहे हैं कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे प्लॉट जो है वो भी लगे हुए हैं। जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसे नहीं है कि बस खाली जो डेवलप अथॉरिटी ने एरिया कर रखा है वही एरिया कवर करके और आपको दिखा दें कि पूरी पॉकेट जो है वो डेवलप है, आप यहाँ प्लॉट ले सकते हैं। देखिए प्लॉट लेना बेचना ये आपका डिसीजन होगा, हमारा काम है आपको प्रॉपर डेवलपमेंट पॉकेट का दिखाना, जिससे कि आपको एक्चुअल वहां का डेवलपमेंट जो है वो पता चल सके कि किस तरीके का डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 30% प्लॉट जो है वो रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, और 70% के आसपास आपको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जगह पे आप देखेंगे तो आपको लाइट वगैरह के पोल जो है वो भी लगे हुए मिलेंगे, लाइट और ये सीवर वगैरह का, प्लॉट की मार्किंग का, एरो वगैरह का भी काम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो आप देखेंगे ये कुछ लोग अपना जिनके प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है वो कंप्लीशन भी यहाँ पे बनवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अभी यहाँ पे लाइट या पानी की कोई भी सुविधा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की तरफ से नहीं है, अगर यहाँ पे आप घर बनाते हैं तो लाइट और पानी की सुविधा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, या जो लोग कंप्लीशन बना रहे हैं उन्हीं को खुद ही यहाँ पे करनी पड़ती है। कंप्लीशन बनाने के लिए जैसे कि हम अगर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उसके बाद हमें 3 साल का टाइम मिलता है हमें अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना होता है, नहीं तो हमें पेनल्टी पे करनी होगी। बाकी ये जो अभी पेनल्टी जो है वो फ्री है, अभी नहीं देनी होगी हमें मार्च 2024 तक। आपने अगर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई है या आपने वहां पे कंप्लीशन नहीं कराया है और आपका टाइम पूरा हो गया, तो अभी आपको 2024 मार्च तक कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है भारी भरकम। तो उससे पहले पहले अगर आप अपना प्लॉट रखना चाहते हैं, सेल नहीं करना चाहते, तो आप जरूर कंप्लीशन करवा लें, जो पेनल्टी से बचने के लिए हमें मिनिमम एरिया जो है कवर करना होता है और बनाना होता है, तो वो आप करा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें प्लॉट के डायमेंशन की, अगर 300 मीटर का प्लॉट है उसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 12 मीटर का फ्रंट देखने के लिए मिलेगा और 25 मीटर की गहराई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी अभी वहां पे
हम नहीं देख पाते हैं, कुछ प्लॉट मौके पे क्लियर वो नहीं कवर कर पा रहे, बाकी जितने भी प्लॉट हम कवर कर पाएंगे वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो भी अगर हम बनाएं, क्योंकि मोस्टली कुछ ही बातें होती हैं बताने के लिए, ज्यादा होती नहीं, तो इसलिए हम ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बना पाते हैं। जितने भी इसमें हम प्लॉट कवर कर पाते हैं वो आपको दिखाएंगे, बाकी और भी वीडियो जो है वो आती रहेंगी और हम जितने मैक्सिमम हो सकेगा वो प्लॉट जो है कवर करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से कितने प्लॉट जो है वो डेवलप हैं, किस किस नंबर जो है उस पर आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोड से नीचे गड्ढे के प्लॉट भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ रोड के लेवल में प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, इस तरीके का भी डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको घर बनाना है वहां पे मिट्टी वगैरह डलवानी है तो वो आप ही को खुद यहाँ पे लेवल कराना पड़ेगा, अथॉरिटी लेवल वगैरह करके नहीं देती है, अगर गड्ढा है तो गड्ढा है, अगर वो प्रॉपर लेवल है तो लेवल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करें तो और पॉकेटों से कुछ कम प्राइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका 1,65,70,00,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है प्राइस, और आपका 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्राइस जो है वो चला जाता है। अगर हम बात करें जनरल प्लॉट की, जनरल प्लॉट है तो वो आपका 1,65,00,000 से लेकर 70,00,000 के आसपास तक आप रेट देख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें अभी आपको 1,60,00,000-65,00,000 के बीच में भी मिल जाएं, जो थोड़ी पीछे की साइड की हैं, जो गांव के पास लगते हुए प्लॉट हैं वो आपको कम रेट में देखने के लिए मिल जाएं। बाकी अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है तो उसके आपको अलग रेट देखने के लिए मिलेंगे, कॉर्नर है उसके अलग रेट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस पॉकेट में प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, या आपका प्लॉट है आप उसमें घर बनवाना चाहते हैं या कंप्लीशन बनवाना चाहते हैं पेनल्टी से बचने के लिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी आप बनवा सकते हैं। बाकी प्राइस का ऐसा है कि प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो काफी ऊपर होते जा रहे हैं, जो एक्चुअली में अगर हम कहें बताएं तो नहीं होने चाहिए इस तरीके के प्राइस, जिस तरीके से गति से प्राइस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं है इस प्रॉपर्टी को देखते हुए। बाकी अभी यहाँ पे रहने में काफी टाइम लगेगा और प्राइस जो काफी तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो इतने नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक अगर मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे प्लॉट लेना चाहे तो हो सकता है कि अब कि इस टाइम के बाद आगे फ्यूचर में वो 300 मीटर का प्लॉट ना खरीद पाए, क्योंकि इस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और ये रेट कहाँ जाके रुकेंगे ये कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। जो भी अनुमान लगाया जाता है उस अनुमान से ऊपर ही रेट हर बार यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको प्लॉट खरीदना है या आपने अलॉटमेंट में अप्लाई किया आपका निकल आता है तो काफी अच्छी बात है, अगर आपका बजट है तो आप जरूर खरीद लें, नहीं तो हो सकता है कि ये चीजें आपसे दूर होती चली जाएं, जो बजट आप तैयार कर रहे हैं उस बजट से ऊपर चीज जाती रहे और आप ना खरीद पाए अपने लिए जो आप एक घर यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। बाकी हम इतना ही बताएंगे कि जो प्राइस होने चाहिए थे उससे ऊपर यहाँ पे रेट जो है वो जा रहे हैं, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम के लिए अच्छा ना हो, बाकी आपका डिसीजन है, आप देख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से, हमारा काम है आपको बस जानकारी देना, यहाँ के डेवलपमेंट से अवगत कराना, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बताना और जो यहाँ पे रेट वगैरह है जो चीजें हैं उनके बारे में आपको क्लियर करना। बाकी कुछ आप और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है डाउट है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम आपके जो भी कमेंट होंगे उन सबको हम कवर करेंगे और जानकारी देंगे जो भी आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी जो अभी यहाँ पे अलॉटमेंट निकली थी 1184 प्लॉटों की, उसकी डेट अभी वही है 18 अक्टूबर, और जगह जो है वो नोटिफिकेशन में आपको बता दी जाएगी, ऑनलाइन भी वो ड्रॉ जो है आप घर से देख सकते हैं। बाकी यही डेवलपमेंट आज की वीडियो में आपको दिखाना था, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप हमें कमेंट करें, या आपका किसी भी पॉकेट में प्लॉट है आप वहां का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, या आपका प्लॉट नहीं आप प्लॉट लेना चाहते हैं वहां पे फिर भी आप किसी पॉकेट का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें जरूर कमेंट करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने आपको डेवलपमेंट दिखाया एन पॉकेट का, अगर आप किसी और पॉकेट का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करें वीडियो कमेंट बॉक्स में, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए या आप अपना प्लॉट जो है जो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉट है किसी भी पॉकेट में उसमें आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं प्रॉपर या कंप्लीशन बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं।
ये नंबर यहाँ पे आपको मेंशन है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो मेरा ही नंबर है इस पे, या पहले जो आपने नंबर देखे हैं तीन नंबर उनमें से भी किसी पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा अंचल गोल्फलिंग 1 ग्रेटर नोएडा नियर आपका नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं और यहाँ पे आके भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे प्लॉट है वो बनवाना चाहते हैं या यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।